वेलकम टू ट्रू शेयर बाजार दोस्तों, फिर से एक धमाकेदार स्टॉक के साथ एक धमाकेदार वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको ऐसे स्टॉक के बारे में बताया जाएगा जो पहले से अभी तक काफ़ी अच्छा मल्टीपल का रिटर्न बना के दे चुके हैं और आगे भी देने वाले हैं। तो आज से स्टार्ट की हमने इस सीरीज की, ऐसे स्टॉक आपको मिलते रहेंगे। अब इस स्टॉक को लाने का रीज़न ये है दोस्तों कि आप सीख पाएँ कि कौन सी कंपनी ने क्या रीज़न था जो इतना अच्छा मल्टीपल का रिटर्न बना के दिया, आखिर कंपनी क्या बिजनेस करती थी, उसका फंडामेंटल कैसा होता था, कैसे वो सेल्स वगैरह और प्रॉफिट जनरेट करती थी, मतलब ओवरऑल कंपनी के अंदर आखिर क्या क्या वो चीज़ें थी जिस वजह से कंपनी ने मल्टीपल का रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए आज समझेंगे। ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये 17 मार्च 2003 में 1.40 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था। इसका आपको प्रूफ में स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, आप भी गूगल के अंदर इसका लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है उसे चेकआउट कर लीजिएगा, आपको यही मिल जाएगा। इससे और भी लो बनाया था इसने 1.18 रुपये के आसपास। तो इसके बाद 1.40 रुपये के बाद आप देख सकते हैं अभी स्टॉक आज की डेट में 24 मार्च 2023 को जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 1192 रुपये का है। यानी आप देखेंगे अगर किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो 1 लाख रुपए में उसको 71,428 शेयर मिलते हैं। यानी 1 लाख का आप डिवाइड कर देंगे 1.40 रुपये प्रति शेयर से तो 71,428 शेयर आ जाएंगे। तो इतने शेयर का आप आज की डेट यानी आज का जो करंट शेयर प्राइस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8,51,42,176 रुपये ये आपका आ जाएगा। यानी इस स्टॉक ने 20 साल के लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर 85,142% का रिटर्न दिया है। आप खुद देख सकते हैं 1.40 रुपये से 1,192 रुपये हो चुका है और 8,51,00,000 रुपये बना चुका है मात्र 1 लाख को। 1 लाख से 8,51,00,000 बन चुके हैं। इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर है बड़े बड़े वो यही बोलते हैं कि आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ पैसा बना है। आप सोचते हैं 1 लाख रुपये डाला, 10,000, 20,000, 50,000 प्रॉफिट हो रहा है तो निकाल लेता हूँ, लेकिन फिर ऐसा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ फिर आप सोचते हो उसी शेयर को फिर से बाय करो तो हो सकता है वो या तो ज़्यादा ऊपर हो, है ना। तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको निवेश करना है। तो आगे बात करेंगे, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लास्ट के 3 से 4 क्वार्टर का सेल्स और प्रॉफिट डेटा जरूर देख ले। इससे आपको यह एक्सपेंस मिलेगा यानी यह अनुमान लगा सकते हो कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो आप देख सकते हैं कंपनी सितंबर 2021 में 3,238 करोड़ का सेल्स किया करती थी जो कि बढ़ते हुए 4,128 करोड़ का इनका सेल्स हो चुका है। यानी कंपनी के जो सेल्स है वो बढ़ रहे हैं। वहीं प्रॉफिट की बात करेंगे तो 302 करोड़ के प्रॉफिट थे, ये बढ़कर 352 करोड़ हुआ है। फिर से डाउनफॉल आया, 187 करोड़ का इनका लो रहा है प्रॉफिट का, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में जंप है, 284 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है। अब हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो आप देखेंगे हर एक साल का रिकॉर्ड, ये 4 साल का डेटा है। 2020 में कंपनी ने 9,440 करोड़ का सेल्स किया था जो कि बढ़ते हुए लगातार 16,478 करोड़ हो चुका है। यानी 9,000 करोड़ से 16,000 करोड़ का इनका सेल्स हो चुका है। हर साल इनके सेल्स में जंप आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 735 करोड़ के जो प्रॉफिट थे ये 1,196 करोड़ तक हुआ है और अभी लास्ट ईयर में 1,066 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से सेल्स मेंटेन करके चल रही है और प्रॉफिट भी अच्छे से बना रही है। आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम का ये हिस्ट्री है। कंपनी ने 2011 में 5,500 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था जो कि बढ़कर 16,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। यानी 3 गुना के आसपास इनका सेल्स बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट देखेंगे तो 304 करोड़ के प्रॉफिट बढ़कर 1,066 करोड़ हो चुके हैं, 3.5 गुना के आसपास इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। बोरोइंग यानी कर्जा, कंपनी के ऊपर पहले 1100 करोड़ का कर्जा था, अब 203 करोड़ का कर्जा है। यानी कंपनी ने कर्जे के दबाव को भी कम किया है और ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के पास अभी पहले 591 करोड़ के रिजर्व थे, अब 6,000 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी के जो रिजर्व है वो 10 गुना के आसपास बढ़े हैं। यानी कंपनी को आप कर्ज मुक्त मान सकते हैं क्योंकि मात्र 200 करोड़ का कर्जा है और 6,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। यानी कंपनी कर्ज मुक्त होने के साथ साथ अल्ट्रा कैश रिच भी है। इसके अलावा कंपनी के पास 3,500 करोड़ का कच्चा माल यानी इन्वेंट्री रखी हुई है। कंपनी के पास पहले 3,500 करोड़ के टोटल एसेट्स हुआ करते थे जो कि अब बढ़कर 10,185 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के स्टॉक का रियल बुक वैल्यू 98 रुपीज़ के आसपास है। ROCE 27% के आसपास है, ROE 21%, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है 7% है, ये लास्ट ईयर का डेटा। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 28% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है जो कि 60% के आसपास है। FIIs ने 22% के आसपास की हिस्सेदारी ली हुई है।
डीआईएस ने 10% के आसपास, पब्लिक के पास मात्र 7% के आसपास की हिस्सेदारी है और अदर के पास 0.01% की हिस्सेदारी है। यानी एफआईआई और डीआईएस का आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरोसा इस कंपनी के ऊपर। यानी आप देखेंगे जो हिस्सेदारी यानी जो शेयर होल्डिंग ट्रेड नहीं होती है मार्केट में, वो है एक तो प्रमोटर की, और एफआईआई और डीआईएस की भी बहुत कम होती है, यानी कभी कल होती है तो 60, 20, 80, 90, 93% के आसपास की हिस्सेदारी जो है कांस्टेंट है, मात्र 7% की हिस्सेदारी मार्केट में ट्रेड हो रही है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के नाम की, तो स्टॉक का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी बनाती क्या है, तो देख सकते हैं आप कंपनी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है, यानी FMEG शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर सभी के घरों में हैवेल्स के बल्ब भी आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं जैसे बिजली के जो कि इक्विपमेंट होते हैं, जैसे अपना स्विच हो गया घर के अंदर, केबल्स हो गई, मोटर्स हो गई, फैंस हो गए, स्विचेस हो गए, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पावर कैपेसिटर, इस टाइप से काफ़ी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी के जो ब्रांड है आप देख सकते हैं हैवेल्स क्रेवेट्री, एलोइड स्टैंडर्ड एंड रियो, ये सब इसी हैवेल्स के ब्रांड है। कंपनी के पास टोटल 14,000 डायरेक्ट डीलर है और 2,10,000 के आसपास रिटेलर है। इन्हीं इंडिया का काफ़ी बड़ा ये एक चैन है। इसके अलावा बात करते हैं रिवेन्यू की, तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो केबल डिवीजन से आता है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डिवीजन से आता है, एलोइड बिजनेस से, स्विच गियर और लाइटिंग और फिक्चर से आता है। कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस है इनका, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, 60 से ज़्यादा कंट्री में अभी कंपनी जो है अपने माल को यानी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है। कंपनी का जो एम्प्लॉय रिटेंशन है आप देख सकते हैं, कंपनी 90% प्रोडक्ट इन हाउस यानी खुद ही बनाती है। इसके अलावा कंपनी की 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि इंडिया में अलग अलग जगह पर मौजूद है। कंपनी ने एलोइड कंपनी जो कि आप पूरा नाम देख सकते हैं एलोइड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, इसे एक्वायर किया यानी खरीद लिया है, जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रूम एसी प्लेयर है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के गुड और बैड पॉइंट की, तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो गुड पॉइंट है, कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस यानी कर्ज को कम किया है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्ज मुक्त है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपनी के ऊपर मात्र 200 करोड़ का कर्जा है और लगभग 6,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, यानी कंपनी को आप बोल सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर इनके ऊपर कर्ज है। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगी, और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है जो कि 37% के आसपास है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट मुझे सिर्फ एक ही लगा, वो ये है कि स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो लगभग 12 टाइम्स से ज़्यादा है, यानी इसके रियल वैल्यू से 12 टाइम्स से ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और वैसे भी जो भी बेस्ट स्टॉक है यानी अच्छे अच्छे स्टॉक है बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनका जो शेयर प्राइस है वो अपने रियल वैल्यू से 10 से 20 गुना ज़्यादा लेवल पर ही ट्रेड करता रहता है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये आगे भी चलकर काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न हमें बना करके देने का दमखम रखती है। तो ऐसे स्टॉक में अगर कोई पूछे कि सर आप क्या करेंगे, तो मैं बिल्कुल इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना पसंद करूंगा, और पहले से स्टॉक अगर मेरे पास होल्डिंग में होंगे तो मैं और भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, खुद की एनालिसिस करें और खुद के डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और किसी ने अगर चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।